अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना किताब का लेसन नंबर 10 जो है हज़रत उमर। और इसमें हमने क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो आए हम ये पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। जस्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर Justice is very important. इंसाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है for a society, एक मुआशरे में, एक कंट्री कर लेते हैं हम, ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक मुल्क में इंसाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Justice is very important for a country. जस्टिस जो होता है एक मुल्क में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जस्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री। विदाउट जस्टिस, इंसाफ के बगैर, विदाउट जस्टिस, इंसाफ के बगैर क्या होगा, देयर वुड बी नो पीस इन ए कंट्री। इंसाफ के बगैर मुल्क में अमन नहीं होगा। और अ जज शुड फॉलो, अ जज शुड फॉलो, एक मुनसिफ को क्या करना चाहिए, इंसाफ करने वाले बंदे को क्या करना चाहिए, A judge should follow the example of Hazrat Umar. एक जज को हज़रत उमर की एग्ज़ाम्पल, हज़रत उमर की मिसाल की पैरवी करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर की मिसाल क्या है, हज़रत उमर की डियर स्टूडेंट्स मिसाल ये है जो हमने अपने लेसन में पढ़ी थी कि एक जज को क्या करना चाहिए, एक जज को ये करना चाहिए कि ही शुड नॉट स्पेयर एनीवन, उसको किसी को भी माफ़ नहीं करना चाहिए, Not even his own son, if wrong is committed by him, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसके बेटे को से अगर कोई गलती हो जाए तो तब भी उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, एक जज को ऐसा होना चाहिए। हाई एंड लो, बड़ा और छोटा, ताकतवर और कमज़ोर, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, सबको बराबर होना चाहिए, ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने ये वाला पैराग्राफ लिखना है, हमने ये वाला पैराग्राफ इस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो